अवसर पर उपस्थित माननीय महापौर महोदया, उप महापौर महोदय, पार्षदगण, निगम कर्मी, मीडिया प्रभाग के प्रतिनिधिगण एवं अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। भारत स्वतंत्र देश की श्रेणी को प्राप्त किया है। हमारे वीर सपूत के बलिदानों से भारत स्वतंत्र हुआ है। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। हमें उनके सपने को साकार करने में तन मन से योगदान करना है। हम सबों पर मुख्य रूप से राष्ट्र सेवा का दायित्व है। देश के विकास में भागलपुर का भी योगदान जो हो सकेगा उसका हमने प्रयास किया है। मुझे नगर निगम भागलपुर एवं स्मार्ट सिटी के कार्यों के दायित्वों के निर्वहन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबों के सहयोग से भागलपुर शहर की ज्वलंत समस्याओं का निदान करते हुए शहर के मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में भी स्मार्ट सिटी की योजनाएं अंतर्गत इसके कई महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा कर लिया गया है। अन्य पर भी कार्य चल रहा है। सर्वप्रथम जो भी नगर निगम में हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया है उसमें जो मुख्यतः प्रमुख हैं, सर्वप्रथम सफाई की व्यवस्था। साफ सफाई के लिए बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर कार्य किए गए। उसमें प्रमुख था कि अभी हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी की व्यवस्था की सफाई करा रहे हैं जो कि गाइडलाइन के अनुरूप है और सभी जगहों पर ऐसे ही कराना भी है। इससे पूर्व की बात बता दें तो भागलपुर में जब डंपिंग ग्राउंड हम लोगों को मिला कंकैती में, उससे पहले कचरा जो है वो NH नेशनल हाईवे के चारों तरफ भी पड़ता था। तो हम लोगों ने प्रयास किया और उस सारे कचरे को उठा के अभी डंपिंग साइट पर डलवाया गया तो शहर जो है वो थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दिया। उसके बाद से दो चार चीज़ों की ज़रूरत थी यहाँ पर, जैसे ट्रांसफर स्टेशन बनाना और कंपोस्ट पिट बनाना। तो वो सभी चार चार जोनों में हम लोगों ने जगह चिन्हित कर ली है, वो बन रहे हैं, उनके मशीनें भी आ रही हैं। तो जल्द ही वो सफाई जो व्यवस्था है आपको सड़कों पे कचरा नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो भी उपकरण खरीदने थे, हाइवा, पोकलेट, ई रिक्शा, तो इन सबको जल्द से जल्द आपूर्ति करके नगर निगम को इक्विप्ड किया जा रहा है जिससे हमारे पास संसाधन की कमी ना रहे। JCB वगैरह भी लिया जाएगा। जोनल कार्यालयों का, सब लोगों का जोनल का कार्यालय होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्थायी जोनल कार्यालय चार हम लोग अभी बना रहे हैं। इसके अलावा जो कंकैती का डंपिंग साइट है उसकी चार दीवारी, उसमें सबमर्सिबल की व्यवस्था, बायो रिमेडिएशन कैसे होगा कचरे का, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और विरासत कचरे का निस्तारण भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो नगर निगम के कर्मी थे उनके वेलफेयर के लिए उनको यूनिफॉर्म, जूते, ग्लव्स, हेलमेट, रिफ्लेक्टर जैकेट, सभी तरीके की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। पहले भी दी जाती रही हैं, भविष्य में भी दी जाती रहेंगी। और जितना भी उनके सेवांत लाभ हैं, उनकी भविष्य निधि की राशि है, उनको जो भी एरियर बताया रह गया है वो सब हम लोगों ने दिलवाया। साथ ही साथ अब प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ही सभी लेबर्स की सैलरी हम लोग डिस्बर्स कराते थे, ये हम लोग इंस्टॉल कराए हैं और आगे भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है तो उसके माध्यम से भी कराते रहेंगे। नेक्स्ट जलापूर्ति में गुटको द्वारा जो जलापूर्ति की योजना है सबको पता है, वो तेज़ी से चल रही है। अब काम काफ़ी आगे बढ़ गया है, आने वाले समय में जलापूर्ति योजना पूरी हो जाएगी, सभी भागलपुर के शहरवासियों को पानी की सुविधा से युक्त किया जाएगा। इस वर्ष हम लोगों ने निर्णय लिया और 102 नए प्याऊ भी बनाए गए हैं। कुछ लोगों का पुराना डीप बोरिंग जो फेल हो गया उसका भी निर्णय लिया गया है कि पुराने डीप बोरिंग को भी उसका पूरा का पूरा बोरिंग ही नया करवा के उसको ठीक कराया जाएगा। और साथ ही साथ इस भीषण गर्मी में जो इस बार हम लोगों को प्याऊ का फेल हुआ बोरिंग और डीप बोरिंग का जो फेल हुआ वो सारे के सारे को हम लोगों ने बदलवाया। एक और चीज़ है, यहाँ पर सब्जा गिराने की दिक्कत थी। पहले कोरोना के टाइम में रेट बहुत ज़्यादा ले लेते थे। कुछ पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं जो मुखाग्नि देते हैं, उनके साथ हम लोगों ने बैठक किया, सामंजस्य बनाया और एक रेट फिक्स किया गया है सब्जा गिरा का। शहीदी कंपाउंड के चारों तरफ आप लोग देखते होंगे मछली अवैध रूप से मीट का इस तरीके का कटिंग करता था, तो उन सारे लोगों को, सारे विक्रेताओं को हटा दिया गया और